हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इस टाइप का इफेक्ट हम किस तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं इस इमेज के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास इमेज भी है, हमारे पास इफेक्ट्स भी हैं। इन इफेक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और मैं आपको बता भी दूंगा कि कहाँ से आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हो, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फाइल को ओपन करेंगे। फाइल को हम ओपन करते हैं, ये वाली फाइल को ओपन करते हैं जिसपे हमें काम करना है। तो ये मैंने ओपन की। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके एक सिलेक्शन आ जाएगा आपको ऑब्जेक्ट का, इसको हम सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का सा इसके अंदर फैदर प्रोवाइड करेंगे, हल्का सा ही फैदर प्रोवाइड करेंगे और इसे हम लेयर मास्क पे न्यू लेयर मास्क बना के ओके कर देंगे। तो एक अलग से आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। अब आपको क्या करना है, एक न्यू फाइल हम लेंगे यहाँ पे A4 साइज का। मैं एक बार पेपर ले लेता हूँ, यहाँ पे क्रिएट करते हैं और इस वाली फाइल को हम यहाँ से ड्रैग करके A4 साइज के पेपर पे लेके चले जाते हैं, क्लियर है। और इसको हम अपने तरीके से अभी एडजस्ट कर लेते हैं जितना भी हमें ये साइज इसका चाहिए होगा। ओके ओके, इसको करने के बाद अब हम यहाँ से एक इमेज लेंगे जो ड्रिपिंग वाली इमेज होगी, ड्रिपिंग पेंट। ये ड्रिपिंग पेंट आप गूगल पे जाके भी लिख सकते हो, ड्रीपिंग पेंट इमेज। ये देखो, ये वाली इमेज आपको कोई भी यहां से मिल जाएगी, जो भी आप चाहते हो वो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है यहाँ पे। आप इस इमेज को यहाँ पे लेके आए अपनी फाइल पे और यहाँ पे आप ऐसे ले आए। ऐसे लेके आने के बाद फिनिश करें और इस इमेज को आप यहाँ पे क्लिक करके इसे कर दे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लाइट। लाइटन करोगे तो आप देखोगे इस तरीके का इफेक्ट आएगा। बट इससे पहले आपको एक और चीज करनी है, मैं इसको ऑफ करता हूँ। बैकग्राउंड को आप यहाँ पे डिलीट कर दोगे और यहाँ पे आप एक सॉलिड कलर लोगे, व्हाइट कलर में मैं सॉलिड कलर लेता हूँ और इसको इसके नीचे ले आता हूँ। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देखोगे वो लाइटन इफेक्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, वो कंप्लीटली आपका इस तरीके से लाइटन इफेक्ट दिखाएगा और आप अब इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कि इमेज को आप किस वे में यहाँ पे देखना चाहते हो। जैसे भी आप, जितना भी बड़ा छोटा आप इमेज को देखना चाहते हो वैसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके की आपकी यहाँ पे इमेज बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है स्प्लैश वेक्टर बैकग्राउंड इमेज PNG। तो इस तरीके की आपको काफी सारी इमेज मिलेगी। जो भी आपको पीछे का स्प्लैश चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हो। मान लो मेरे को ये चाहिए तो मैंने इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज किया और मैंने इसको ऑलरेडी सेव किया हुआ है। तो मैं इस वाली इमेज को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और इसको एक न्यू फाइल में ओपन कर लेता हूँ। न्यू फाइल में ओपन करने के बाद मैं इसका बैकग्राउंड को लॉक को अनलॉक करता हूँ और यहाँ से मैं इसे मैजिक वैन टूल की हेल्प से व्हाइट कलर को सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ और Ctrl D सिलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ जो ये नाम लिखा हुआ। इसको मूव टूल की हेल्प से, और ये बीच वाले भी मेरे को हटाना है तो मैं सिलेक्शन लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इतने पोर्शन को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मैं करता हूँ फिल और इसको कर देता हूँ कंटेंट अवेयर। ओके, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा और इसको आप इजिली मूव कर सकते हो अपनी फाइल में। यहाँ पे इसको आप ले जाओ इसके नीचे बैकग्राउंड में और इसको आप साइज को कर दो बड़ा, क्लियर है। इस तरीके से आप अपने साइज को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद इसके कलर को इसके शर्ट से मैच करने के लिए मैं इस लेयर पे इमेज पे जाता हूँ, एडजस्टमेंट, और मैं UM सेचुरेशन लगाता हूँ और इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ कि मेरे को कुछ इस टाइप का कलर चाहिए। जो भी आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ से चूज करें। इस टाइप का आपके पास यहाँ पे देखो अब कलर आ चुका है। उसके बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और इस पे मैं लगाता हूँ स्ट्रोक। यहाँ पे आप इफेक्ट्स पे जाएं, स्ट्रोक पे क्लिक करें और मैं यहाँ पे स्ट्रोक को लगाता हूँ, स्ट्रोक को यहाँ से इंक्रीज करता हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पे इसका स्ट्रोक लग गया है। और ओके करता हूँ और स्प्लैश को हल्का सा ऊपर करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, ऑटो सिलेक्ट को ऑफ किया और थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूँ, इसका साइज को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ ताकि इससे क्या हो कि मेरा जो स्ट्रोक लगा है उसका इफेक्ट मुझे अच्छे से यहाँ पे नजर आए, कुछ इस तरीके से। ओके, बाद में मैं स्ट्रोक को दोबारा से क्लिक करके स्ट्रोक के साइज को हम यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं कि मेरे को स्ट्रोक को कम करना है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप शेडो लगाता हूँ और शेडो को हल्का सा मैं बाहर की तरफ करता हूँ ताकि वो 3D इफेक्ट हल्का सा मेरे को यहाँ पे नजर आए, कितना डिस्टेंस चाहिए, कितना मुझे साइज चाहिए,
और कितना मुझे स्प्रेड चाहिए वो मैं यहाँ से इजिली चूज कर सकता हूँ कि मुझे ये कितना चाहिए। साइज को इंक्रीज करके ताकि ब्लर इफेक्ट में इसका इंक्रीज कर पाऊँ। तो ऐसे करके आप इस टाइप के इफेक्ट को यहाँ पे इजिली बना सकते हो। और इसके बाद भी आप कोई भी इसके अंदर चेंजेस करना चाहते हो तो आप अपने तरीके से वो चेंजेस कर सकते हो। तो ऐसे करके आप अपने पोर्ट्रेट को बड़ा अच्छे से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, अपने पोर्ट्रेट को बहुत प्यारी लुक में यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूले। थैंक यू सो मच। We'll be right back.